लिखा हुआ है कवियों ने इनके बारे में, दे दी हमें आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। ना तलवार उठाई ना राइफल उठाई और अंग्रेजों को यहाँ से खदेड़ दिया। असहयोग आंदोलन 1919 में, दांडी यात्रा 1931 में, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, सत्याग्रह, इस तरह से परेशान किया उनको कि अंग्रेजों को यहाँ से आखिर में विदा लेनी ही पड़ी। इतने अपने दृढ़ निश्चय के थे गांधी जी। और भारत में ही नहीं, दक्षिण अफ्रीका में भी इन्होंने कई देशों को आज़ाद करवाया, वहाँ पर भी इन्होंने आंदोलन किए। सबसे पहला आंदोलन इनका विदेश से ही शुरू हुआ, दक्षिण अफ्रीका से। एक बार की घटना है, ये एक ट्रेन में सफ़र कर रहे थे, फर्स्ट क्लास, पहले सेकेंड क्लास फर्स्ट क्लास दो ही बर्थ होती थी ट्रेन में। तो फर्स्ट क्लास का नियम था, उसमें केवल अंग्रेज लोग चलते थे और अंग्रेज हम लोगों की छाया से भी डरते थे। हमसे अंग्रेज लोग हम लोगों को काला कहते थे, ये काले लोग हैं और हम गोरे लोग हैं, अंग्रेजों का ये मानना था। इतनी नफरत थी कि जहाँ पर हिंदुस्तानी कोई बैठ जाता था तो उसको वो वहाँ से हटा देते थे। यात्रा कर रहे गांधी जी तो कुछ अंग्रेज आए वहाँ पर उस कंपार्टमेंट में, कहने लगे तो हिंदुस्तानी, ये तो काला है, यहाँ तो ढिए। तो गांधी जी ने कहा क्यों, ये बैरिस्ट्री कर रहे थे उसमें इंग्लैंड में, ब्रिटेन में। बोली जहाँ पर हम लोग बैठते हैं वहाँ पर किसी हिंदुस्तानी की या किसी अन्य देश की ये ज़रूरत नहीं है कि कोई बैठ सके। जब ये नहीं माने तो दोनों में आपस में विवाद होने लगा। अंग्रेजों का चूँकि शासन था वहाँ पर, उन्होंने कुछ लोगों को बुलाया और तो गांधी जी का जो सामान था, सूट केस था, बिस्तर बंद था, सब फिंकवा दिए थे और अंत में इनको भी धक्का दे करके उतार दिए। बेचारे गिर पड़े, मामूली चोटें आई। वहीं पर उन्होंने, देखो ये बात भारत की नहीं है, दक्षिण अफ्रीका की, साउथ अफ्रीका की, जॉनसन वर्ग की, वहीं पर इन्होंने ये प्रतिज्ञा की कि जब तक मैं अंग्रेज़ों का शासन पूरी दुनिया से समाप्त नहीं कर दूंगा, वहीं से इन्होंने प्रतिज्ञा की, भारत से नहीं कि दक्षिण अफ्रीका से, इतिहास पढ़ना चाहिए, कि जब तक अंग्रेज़ों को मैं यहाँ से विदा नहीं कर दूंगा तब तक मैं चैन से नहीं लूंगा। इतने दृढ़ संकल्पी थे ये। इनको कितनी उपाधियाँ मिली मालूम है, किसी ने इनको महात्मा कहा, महात्मा गांधी, महान आत्मा जिसके महात्मा कहते हैं, किसी ने संत कहा, साबरमती के संत, किसी ने बापू का पिता का दर्जा दिया, नेहरू ने फादर ऑफ नेशन कहा इनको, राष्ट्रपिता की उपाधि दी। तो इतनी उपाधियों से अलंकृत ये महापुरुष जिनको आज भी हम नमन करते हैं, जिनका भारत के योगदान में इतना अटूट रोल रहा इनका, जिनको भुला नहीं सकते। इसी तरह से ये